मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन ब्रिटेन में ये मामला वहां की संसद तक जा पहुंचा है। खुद बीबीसी ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन रिसर्च की गई है। इसके लिए कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई है, इनमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। हमने भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री में उठे मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। गुजरात दंगों पर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री सुर्खियों में है उसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश विदेश विभाग की एक अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। बीबीसी ने ब्रिटिश विदेश विभाग से जो रिपोर्ट हासिल की है उसमें नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। बकौल बीबीसी, ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि नरेंद्र मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस ब्रिटिश कूटनीतिक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्ट लिखी है उससे बीबीसी ने बात की है और वो अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर कायम है। गुजरात दंगों पर ब्रिटिश कूटनीतिक की ये रिपोर्ट उस समय से ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के आदेश के बाद तैयार हुई थी। रिपोर्ट पर नए सिरे से उठे विवाद पर बोलते हुए जैक स्ट्रॉ ने बीबीसी से कहा है कि ये बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट थी। ये बहुत ही गंभीर दावे थे कि मुख्यमंत्री मोदी ने पुलिस को पीछे रखकर और हिंदू चरमपंथियों को शह देकर एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये पुलिस को हिंदुओं और मुसलमानों की सुरक्षा करने के काम करने से रोकने के लिए राजनीतिक भागीदारी का एक विशेष रूप से आक्रामक उदाहरण था। देश के विदेश विभाग की राय इसके उलट है। विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पूरे विवाद पर कहा है कि हमारी राय में ये प्रोपोगंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। इस फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इस नैरेटिव को दोबारा चलाना चाह रहे हैं। अगर बीबीसी का जहाँ ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी, ऐसे ही प्रेस वार्ता थी, आपके राइट हैंड साइड, वाजपेयी जी के राइट हैंड साइड में आप बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ। राजधर्म कौन से राजधर्म के लिए बोला? वही राजधर्म वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है जो आपने नहीं निभाया था। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब।
मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। जो आपको भारत के प्रधानमंत्री उस समय के उन्होंने चेताया था, जिनको आप रोज भूलने का, भुलाने का, उनकी नीतियों को, उनकी उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास करते हो, उन्होंने आपको कहा था, वो आप ही के पार्टी के थे, कि राजधर्म निभाओ और ब्लॉक इन इंडिया से आपको क्या लगता है सच्चाई छुप जाएगी? सच्चाई नहीं छुपेगी। ये इस तरह के हथकंडे, इस तरह का एक्शन, ये लोगों में विश्वास दिलाता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है, वरना आपको ये करने की कहां जरूरत पड़ी थी? थोड़े दिन बाद हो सकता है कि और भी इस तरह का, और हमने पूर्व में भी देखा कि इस तरह के काम मोदी सरकार ने किए हैं। वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, हम नहीं मानते। कोई भी आप सवाल पूछ लो, हम नहीं मानते। आपके मानने से सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल तो एज इट इज वहीं पर है। तो इस स्कीम्स को, इस चीज को आपने ब्लॉक करके प्रूव कर दिया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, उसमें सत्यता है। ये 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 आपका एक्शन इसको दिखा रहा, आपके मन में घबराहट है। अगर आपके मन में सच्चाई होती तो आप इस तरह की गति, इस तरह का रिएक्शन नहीं करते। फिल्मों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्या राय है, ये भी आप सुन लीजिए। ये उस वक्त उन्होंने राय जाहिर की थी जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया है, लेकिन बाकी दुनिया में ये डॉक्यूमेंट्री सुर्खियां बटोर रही हैं। खुद मोदी पूरे मसले पर मौन है, जिसकी वजह से गुजरात दंगों में उनकी तथा कथित भूमिका को लेकर अटकलों का बाजार और गर्म हो उठा है। नमस्कार।